हम लोग इस वीडियो में नंदगांव के दर्शन करेंगे। दोस्तों नंदगांव के दर्शन के लिए हम लोग इस्कॉन के थ्रू जा रहे हैं, तो हम लोग सुबह 4 बजे इस्कॉन टेंपल पहुंच जाते हैं और वहां पे हम अपने जगत गुरु श्री प्रभुपाद के दर्शन करते हैं। उसके बाद मंगल आरती को हम लोग अटेंड करते हैं। मंगल आरती जैसी शुरू होती है उसके बाद मंगल आरती की समाप्ति तक हम लोग सभी डिवोटीज मंगल आरती को अटेंड करते हैं। मंगल आरती अटेंड करने के पश्चात इस्कॉन के थ्रू जो हमारी बस आई होती है हम उस बस में बैठते हैं और हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा 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 दोस्तों। सुबह के प्रसाद में हमें पास्ता मिलता है, हम लोग पास्ता ग्रहण करते हैं और पास्ता प्रसाद में ग्रहण करने के पश्चात हम लोग फिर से मंगल आरती और हरि नाम कीर्तन करते हुए हम लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद जैसे ही दोस्तों हम लोग नंदगांव पहुंचते हैं तो हमारे स्पीकर उमापति प्रभु जी जो हैं वो नंदगांव के बारे में कुछ व्याख्या करते हैं, हम लोग उसे सुनते हैं। तो क्या हुआ, गोकुल में बहुत सारे असुर जो है वो भगवान कृष्ण को देखने आते थे। बोलते पहले देवता आते थे, फिर असुर आए, फिर असुरनी आई, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के राक्षस आया करते थे उन्हें देखने के लिए। और केवल देखने ही नहीं आते थे, उनके साथ क्रीड़ा करने आते थे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का गांव नंदेश्वर पहाड़ी पर है जिसे नंदगांव कहते हैं। दोस्तों हरि नाम कीर्तन करते हुए हम लोग नंदगांव के लिए आगे को बढ़ते हैं। हमें गौशाला मिलती है, उसके बाद वहां की संकरी गलियों से होते हुए हम महल की तरफ को आगे को बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पे टोटल 102 सीढ़ियां होती हैं जिन्हें हम पर चढ़ते हुए नंद बाबा के मंदिर में महल में पहुंच जाते हैं। हम लोग सबसे पहले वहां पहुंचते ही हम लोग सभी डिवोटीज जो हैं नंद बाबा के मंदिर में जैसे ही हम लोग पहुंचते ही हम सभी डिवोटीज जो हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। नंद बाबा के महल में पहुंचते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के पश्चात उसके बाद वहाँ के जो मंदिर में हम लोग दर्शन करते हैं नंद बाबा की, यशोदा मैया, श्री कृष्ण, दाऊ बलराम और राधा रानी, इन सभी लोगों के हम लोग दर्शन करते हैं। बहुत भीड़ थी दोस्तों इस भीड़ में हम लोग। उसके बाद हम वहाँ के महंत के द्वारा कथा सुनते हैं, वहाँ के जो महंत हैं वो कथा सुनाते हैं, हम लोग कथा को सुनते हैं। दोस्तों यहाँ से ब्रह्माचल पहाड़ी भी दिखती है जहाँ पर राधा रानी का घर है। यह वही नंदमहल है जिसका गायन वेद पुराण और शास्त्रों में है। कहते हैं कि वृंदावन सा वन नहीं और नंदगांव सा गांव, वंशी वट सा वट नहीं और कृष्ण नाम सा नाम। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज में पूरे 11 साल 52 दिन तक रहे जिसमें 9 साल 49 दिन केवल वह नंदगांव में रहे थे। भगवान कृष्ण का जन्म जो मथुरा में कंस के जेल में हुआ था। नंद बाबा बंसी की मधुरता इतनी है कि पत्थर भी भगवान की बंसी की धुन को सुनकर के पिघल गया और ठाकुर जी के बाल्य अवस्था के पांव या चरण बने। एक तो पूरा पांव, एक अंगूठे का निशान और बगल में ठाकुर जी ने जो अपनी लाठी लगा रखी है उसका निशान। आज भी 5000 साल प्राचीन भगवान के चरण चिन्ह यहाँ विराजमान है। जय बोलो प्रेम सरोवर धाम की। आ जाओ एक मिनट का दर्शन यहाँ से देखो।
दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो मथुरा में हुआ था कंस के जेल में। फिर वहाँ से नंद बाबा ने उन्हें रातों रात यमुना पार करके गोकुल में पहुँचाया, लेकिन गोकुल में कंस के अत्याचारों के कारण बहुत ज़्यादा परेशान करने के कारण नंद बाबा वहाँ से गोकुल से अपने सभी गोकुल वासियों को और यशोदा मैया दाऊ बलराम के साथ उन्हें नंदगांव लेकर के आ जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने नंदगांव बसाया। जिस गाँव को बसाया उसको गाँव को नंदगांव के नाम से जाना जाता है। हमारे नंदगांव धाम के दर्शन यात्रा हे नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, शक्ति देना, मनोकामना पूर्ण करना और फिर बुलाना, परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। दोस्तों यहाँ के मंत्र में गौदान के बारे में बताते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग दोबारा से एक बार नंद बाबा के दर्शन करते हैं और नंद बाबा के दर्शन करने के पश्चात हम लोग वहाँ से प्रस्थान करते हैं। नंद बाबा के जैसे ही हम लोग दर्शन कर लेते हैं सभी डिवोटीज एक एक करके जाके दर्शन करते हैं और दर्शन करने के पश्चात हम लोग वहाँ से प्रस्थान करते हैं। वहाँ से फिर संकरी गलियों से होते हुए हम लोग फिर वापसी को आगे के रास्ते आगे के दर्शन के लिए हम लोग प्रस्थान करते हैं। दोस्तों वहीं पर हमें बहुत सारी दुकानें मिलती हैं जिसके अंदर
लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ, लड्डू गोपाल के वस्त्र, बांसुरी और भी बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ से आप चाहें तो खरीद सकते हैं दोस्तों। वैसे मैंने अपने लाडले के लिए, अपने लड्डू को, अपने गोपाल के लिए एक बांसुरी लिया और एक श्री कृष्ण के नाम का लॉकेट लिया और एक वस्त्र लिया। उसके बाद हम लोग जब आगे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक और हमें श्री कृष्ण और राधा का मंदिर मिलता है, वहाँ भी हम लोग जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके दर्शन करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें रास्ते में जल विहार कुंड मिलता है। जब कृष्ण अपनी गायों को चरा करके जब वापस जा रहे होते हैं तो यहीं पे बैठ करके वो अपनी जल क्रीड़ा का लीला किया करते थे दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहीं पे आपको टेढ़ कदम और उसके बाद दोस्तों यहीं पे आपको आगे जाएंगे तो टेढ़ कदम मिलता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने गायों को लेकर के यहाँ पे चराने के लिए आते थे और यहीं पे कदम के पेड़ पर बैठकर वो बांसुरी बजाया करते थे और गैया यहाँ चरा करते थे। उसके बाद आगे चल के यहीं पे रूप गोस्वामी महाराज ने अपना आश्रम बनाया था और उन्होंने यहीं से अपनी जो भी लीलाएँ श्री कृष्ण की थी उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो जैसे हम लोग यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद यहाँ पे हम लोग हरिनाम कीर्तन करते हैं और हरिनाम कीर्तन करने के तत्पश्चात हम लोग वहाँ के जो भी महंत थे उनके द्वारा यहाँ जो क्या कहते हैं ये टेढ़ कदम था उसके बारे में हम लोग चर्चाएँ सुनते हैं उन महंत के द्वारा। और महंत के साथ साथ हमारे जो उमापति प्रभु जी हैं वो भी इसके बारे में हम लोगों को बताते हैं और उसके बारे में हम लोग चर्चाएँ उनके द्वारा सुनते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने टेढ़ कदम पर बैठा और वहाँ पर फिर उनके बारे में चर्चाएँ सुनी। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ के जो भी हैं परिक्रमा करते हैं सभी कुछ और मंदिर के चारों तरफ से दर्शन करते हैं। और उसके बाद यहीं पे दोस्तों ये कुंड मिलता है, इसकी कुछ सूचनाएं वगैरह लिखी हुई थी जिसकी मैंने फ़ोटो खींची। उसके बाद ये जो एरिया आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जप माला करने के लिए बनाया गया है कि सभी भक्त गण आने के बाद आप यहाँ पे बैठ करके माला जाप कर सकते हैं। और उसके बाद ये कुंड है, कुंड के अंदर सभी भक्तगण आचमन्य करते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं चबूतरा, यहाँ पे कृष्ण बैठ करके अपनी बांसुरी बजाया करते थे। चारों तरफ गायों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और बीच में श्री कृष्ण का के लिए आसन बना हुआ है, साथ में एक कुआ है। उसके बाद हमें एक मोर देखने को मिलता है, मोर यहाँ पे एक क्या बहुत सारे मोर और तोता ये सब बहुत आपको पक्षी बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आशीष्वर महाराज के दर्शन के लिए आशीष्वर महादेव के मंदिर में जाते हैं। दोस्तों आशीष्वर महादेव का जो कहानी इस तरह की विख्यात है कि भगवान शंकर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नंदगांव आते हैं तो जो यशोदा मैया है उनको देख करके डर जाती हैं और वो उन्हें दर्शन करने से मना कर देती हैं। तो उसके बाद भगवान शंकर आकर के यहाँ पर तपस्या करने लग जाते हैं कि कभी ना कभी तो मेरे कृष्ण मुझे अपने दर्शन देंगे। तो जो भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जो आस लगाए बैठे रहते हैं तो उसी के नाम पे उन्हें आशीष्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो भगवान कृष्ण के आशीष्वर महादेव के मंदिर के यहाँ पे आपको दर्शन करने को मिलेंगे। हरी नाम कीर्तन समाप्त होने के बाद वहाँ के हमारे जो इस्कॉन के आचार्य हैं वो आते हैं और वो हमें फिर वहाँ के बारे में कुछ अपना ज्ञान वर्णन करते हैं। हाल में एक बार वृंदावन है तो ये जो जगह है आशीष्वर महादेव दर्शन किए हमें महादेव जी आशा लगाते हैं ना बैठा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग दोपहर का जो लंच प्रसादम है हम लोग यहीं पे आशीष्वर धाम में ही बैठ करके हम लोग लंच प्रसादम ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो भी हमारा प्रसाद बचा हुआ होता है वहाँ के आए हुए भक्तों में हम लोग उसका वितरण कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा आगे को प्रस्थान करते हैं। दोबारा से हम लोग पैदल यात्रा करते हुए हम लोग
आगे को बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंद महाराज के नंद महल का नज़ारा आपको किस तरीके से नंदगांव और नंद महल का नज़ारा आपको दिखता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं वृंदाकुंड। वृंदाकुंड दोस्तों जो है महारानी वृंदा देवी का यहाँ पे विग्रह आपको देखने को मिलेगा। महारानी वृंदा देवी का विग्रह आपको बहुत कम देखने को मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे महारानी वृंदा देवी के दर्शन करते हैं और यहाँ का चरणामृत जो हमें मिलता है हम चरणामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद चारों तरफ से हम इसकी परिक्रमा करते हैं, कुंड में जाकर के हम आचमन्यम करते हैं और आचमन्य करने के पश्चात हम लोग वहाँ पे चारों तरफ से दर्शन करते हैं। और दर्शन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे जो स्पीकर हैं वो हम लोगों को सभी जितने भी डिपोटीज आए हुए हैं हम सभी डिपोटीज वहाँ बैठ करके उनके द्वारा हम यहाँ के बारे में कथा वर्णन वो हमें यहाँ के बारे में वृंदा देवी के बारे में कथा का वर्णन करते हैं और हम लोग सभी डिपोटीज बैठ के कथा सुनते हैं। और दोस्तों जैसे ही कथा समाप्त होती है, कथा समाप्त के बाद एक छोटा सा हम लोग ड्रामा होता है, ड्रामा हम लोग देखते हैं जो कि रामदास भक्त रामदास के ऊपर एक छोटा सा ड्रामा हुआ है उसका हम लोग कथा देखते हैं। जैसे ड्रामा खत्म होता है दोस्तों उसके बाद हम लोग हरिनाम कीर्तन करते हैं। और हरिनाम कीर्तन समाप्त होने के पश्चात हम लोग दोबारा पुनः अपने और उसके बाद रास्ते में हम लोगों को पूरी सब्जी शाम के प्रसाद में मिलता है उसे हम लोग ग्रहण करते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारी यात्रा संपन्न होती है और हम लोग दिल्ली वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों बोलिए श्री हरि की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण। Thank you.